हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भिंडी की सूखी सब्जी, जिसे हम भिंडी की भुंजिया भी कहते हैं। इसे बनाने के लिए हमें भिंडी को इस तरह से पतला पतला काट लेना है। ये देखिए जिस तरह से मैं इसे काट रही हूँ, बिल्कुल पतला पतला ही हमें इसे काटना है। हमें इसे ज़्यादा मोटा नहीं काटना है। अगर हम इसे ज़्यादा मोटा काटेंगे तो भिंडी हमारी अच्छे से पकेगी नहीं। यहाँ पर दूसरा भिंडी भी मैंने इस तरह से काट लिया है। और अब देखिए मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी। यहाँ पर मेरी सारी भिंडी कट चुकी है, बस अभी यहाँ पे अब एक प्याज लेना है और उसे भी मैं पतला पतला काट लूँगी। अब मैं एक कढ़ाई में ऑयल डालूँगी। मैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, सरसों का तेल। आप भी इसे ही यूज़ कीजिएगा, इससे खाने में टेस्ट बहुत अच्छा आता है और सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे तेल हो गया है और मैं इसमें अपने भिंडी डाल दूँगी और इसके साथ ही मैं कटा हुआ प्याज भी डाल दूँगी और इसमें दो हरी मिर्च भी मैं डाल दूँगी। इसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ मसाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस यहाँ पे मैंने दो हरी मिर्च डाल दिया, थोड़ा सा लाल मिर्च डालूँगी और इसी वक्त मैं इस पर स्वाद के अनुसार नमक भी ऐड कर दूँगी। और बस अब ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसे हमें बहुत अच्छे तरीके से भूंज लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सब चीज़ डाल दिया है और मैं यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ और बस हमें इसे भूंज लेना है। भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है और ये सब्ज़ी तो और भी जल्दी बन जाती है। तो बस इसे हमें 5 से 10 मिनट पकाना है। और ये देखिए हमारी भिंडी जो है वो ऑलमोस्ट बन चुकी है। बस हमें इसे थोड़ा और चलाना है और उसके बाद हमारी भिंडी जो है वो बनकर रेडी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखिए कि हमारी भिंडी जो है वो पक गई है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी जो है वो बन गई है। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।